मानसून की बारिश से हो रही तबाही से देश के कई राज्य जूझ रहे हैं। यूपी के पूर्वी हिस्से में आई बाढ़ से कई गांव और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का सबसे अधिक असर बलिया जिले में हुआ है। बलिया में प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 29,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मॉनसून खत्म होने को है, लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, बांदा, जालौन और हमीरपुर समेत कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सभी नदियां फिलहाल खतरे के निशान को पार कर गई हैं। बुधवार देर शाम वाराणसी में गंगा का जलस्तर 71.32 मीटर पर पहुंच गया। 80 घाट तक जाने वाली सड़क पर 1.5 फुट तक पानी भर गया। साथ ही जलभराव की वजह से मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करने में भी लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ा। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। बाढ़ से कई तटीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज के 60 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। पूर्वांचल में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण मची तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बलिया है। बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा से 29,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बलिया के साथ साथ गाजीपुर जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा के पानी से 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं और यूपी के मिर्जापुर जिले के 495 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।